राष्ट्रीय लोकदल युवा का शामली जिला अध्यक्ष विक्रांत छोटा को बनाया गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शामली के करौदा हाथी गांव निवासी प्रभात मलिक भी दावेदार थे, साथ ही रजत निर्वाल, मोहित खाटियान, अमजद शेख मोनू, राजन जावला और सौरभ पवार भी दावेदारों में थे। प्रभात मलिक ने फोन कर रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन के समक्ष कड़ा विरोध जताया है, साथ ही चेतावनी दे दी है कि रालोद का कोई नेता गांव में आएगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। सुनिए वायरल हुई कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल जी चेयरमैन साहब ठीक हो? अरे प्रभात तेने कभी कहा था मैं बनूं जिला अध्यक्ष? नहीं जी बनवा के तो ले आया था मुझे छोटे को। नहीं मैं चल मैं बनवा लिया नहीं बनवा लिया तो अलग बात है, मेरा कुछ रोल नहीं उसमें। अभी वीरेंद्र जी का टेलीफोन आया था, मैं तो तुम्हें 20 बार बताया था, इधर भी आए दो तीन आदमी। हम कौन आए? गाँव वाले आए थे दो तीन। कौन से आए थे, कब आए थे? मेरी गाल आए थे, सारे घरों भी आए थे यार। वहाँ दफ्तर में भी कहा था, मगर सिसोली किसान भवन में मिले थे वहाँ भी कहा था। हाँ सड़क पर कहीं मिल गया, देख ले कहा था मैं बनवा जी, मुझे बनवा दो। मगर चेयरमैन साहब ध्यान रखो, तुमने कहा कि यूनियन छोड़नी पड़ेगी, मगर जी छोड़ रखी यूनियन तो हमने, कोई चले जा मैंने दिन उठाया, यूनियन छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा कह दूँ यूनियन छोड़नी पड़ेगी, यूनियन में तो है कहाँ नहीं है तू, यूनियन में कहाँ है तू? नहीं यही तो बात चलेगा, विक्रांत छोटा जिला अध्यक्ष बना नहीं के था विक्रांत छोटा, जिन हम मेहनत करे 5 दिन तो हमें ऐसी तसी करवा रहे भूख हड़ताल पर पड़े हैं। में लोग नहीं ऐसा काम कर दिया तुमने चेयरमैन साहब, तुमने ऐसी आग लगवा दी जिले में, कम करो दिमाग पानी टेक सकता कोई लोकदल वाला। अच्छा प्रभात, हाँ जी बस मुझे ज्यादा बात ना मेरे, नहीं मैं तो बता रहा जी हमारे गांव में नहीं बस हमारे गांव में कोई सलाह जी हो, मैं तेरे घर आ जाऊंगा अभी, बता अभी देखा कौन सा जगह, मैं तेरे घर अभी आज मैं 1 मिनट में ही आ जाऊंगा, एकदम देखा कौन सा जगह गांव में अड्डे पे पांच एक कोई सा। अरे प्रभात ऐसी बोल रहा, हम तो जाने कौन की तरह है, हम जाने दो चुनाव लड़वा रखे तो मैं, हम जाने मैंने कहूँ मैं बीमार हूँ अभी, मैं देहरादून में हूँ अब, वो ने बताओ मुझे बात, अरे मैं तेरे घर आया था, तेरे वही तेरे बापू थोड़े बैठ के चाय पीता अभी, खूब आओ ना देखा कौन सा अड्डे पे पहुंचे एकदम हमारे गाँव में। चल ठीक हम चूड़ी तो पैदा जो सा आ जाएगा गाँव में।